हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ सवालों को लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है और वो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इन सवालों को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको इस वीडियो में और ये भी बताएंगे कि किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, किस किस तरह की दिक्कतें आएंगी आपको इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में। उन सभी पॉइंट को मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से क्लियर करूंगा। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर 9944/22। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरह से एक डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और जो नंबर पहले है उसको अंदर लिख दिया जाता है 9944। इस तरह से बाद वाला नंबर जो है वो यहाँ पर शुरू में लिखते हैं और इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। इसका पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप इस तरह से सोचेंगे कि इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 9 आए या 9 से कम आए, लेकिन ये दो अंक का डिजिट है इसलिए अंदर के दो अंक के डिजिट को पहली बार में हम देखेंगे यानी कंसीडर करेंगे। तो ये दो डिजिट का है तो 99 को देखेंगे। तो इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 99 आए या 99 से कम आए। अब अगर इसका पहाड़ा हमें आता है तब तो हम पढ़ लेंगे, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि यहां पर कौन सा नंबर लिखें कि उसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 99 आए या 99 से कम आए। तो यहां पर हम लिखेंगे 4। अब देखिए 4 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8 88 आ गया। लाइन को खींच के घटाएंगे, बचा 1, यहां 1, इस तरह से करेंगे। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, 4 उतार लिया। अब फिर से सोचिए यहां कौन सा नंबर लिखें कि उसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये आई है इससे कम आए। तो यहां लिखेंगे अब हम 5। 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 की 0 हासिल लगी है, 5 × 10 और 1 11। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे तो यहां बचेगा 4, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर जो भी है उसको नीचे उतार लेंगे। अब फिर से सोचिए कि यहां पर कौन सा नंबर लिखना है, यहां पर लिखेंगे 2। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। और लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे फिर से, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, नीचे कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका अच्छी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आपका आंसर आ गया है 452। इसको भागफल या फिर आप अपना आंसर या उत्तर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इस सवाल को करते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये वाला है जिसमें 0 होता है, ये कैसे करेंगे इसे भी यहाँ पर समझ लीजिए। इसको आप इसी तरह से बनाकर लिख सकते हैं, इस नंबर को अंदर लिखिए, बाद वाले नंबर को शुरू में लिखिए। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, डिवाइड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 800 और डिवाइड की जगह पे बटे का निशान लगा दीजिए, बाद वाले नंबर को नीचे लिख दीजिए। अब 0 से 0 काटा कैसे जाता है वो देखिए इस तरह से, और भी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में जो भी 0 है उसे काट देंगे, यहाँ लास्ट में 10 है तो 10 से 10 कट गया, बचा कितना ऊपर देखिए, ऊपर बचा है 80, नीचे बचा है 4, तो हम लिख देंगे 80/4। अब इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे एक ही पहाड़े से, किससे काटें, 2 से काट सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, 4 से भी काट सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको 4 से ही काट लेते हैं। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 4 × 1 = 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 4 × 2 = 8, 0 लगा देंगे, इसे सॉल्व करके आ गया 20। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर है 2020। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।